गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के बारे में जिनसे जो हमारी स्किन है वो काफी अच्छी ब्राइट हो सकती है, हेल्दी हो सकती है एंड आपके जो स्किन का एक टेक्सचर है वो भी काफी अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है। सो ये इंग्रेडिएंट्स नेचुरल भी हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हैं। सो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सो लेट्स डू। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिनसे आप जो अपनी आपकी स्किन है उसको नेचुरली वाइटन, ब्राइटन एंड ग्लोइंग बना सकते हैं, हेल्दी भी बना सकते हैं। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है गाइस, वो है हाइड्रेशन। तो गाइस, ये आपने हमेशा हर किसी से सुना होगा कि जितनी आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी, जितना उसको एक नेचुरल एक हाइड्रेशन मिलेगा, उतनी ज्यादा वो आपकी स्किन हेल्दी भी लगेगी और जो हेल्दी स्किन होती है वो अपने आप ही ब्यूटीफुल भी लगती है। तो उसके लिए आपको ऑप्ट करने होंगे अपनी स्किन टाइप के जो अनुसार है ऐसे मॉइस्चराइजर्स, ऐसी क्रीम्स जिनसे आपकी जो स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल मॉइस्चराइजर्स या जेल क्रीम्स यूज कर सकते हैं, जेल बेस्ड जो होते हैं, लाइट वेट होते हैं। देन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कुछ ऐसे थिक क्रीम्स और थिक मॉइस्चराइजर्स चाहिएंगे जिनसे जो आपकी स्किन की ड्राइनेस है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए। और जब वो ड्राइनेस दूर होगी तो आपकी स्किन पे आएगा एक बहुत अच्छा सा ग्लो और वो ग्लो ही आपकी स्किन को एक अच्छा सा ब्राइट और हेल्दी लुक देता है। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमें अपने प्रोडक्ट्स में देखने चाहिए, मॉइस्चराइजर्स में देखने चाहिए, जिनसे हमारी जो स्किन है उसको एक ब्राइटनिंग का एक बूस्ट मिले और हमारी स्किन थोड़ा सा और भी ज्यादा ब्राइटन वाइटन लगे। तो उसके लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपको देखना चाहिए अगर आप ब्राइटनिंग इशू है आपके लिए, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की टैनिंग दूर हो और वो ब्राइटन लगे, तो उसके लिए आप नंबर वन इंग्रेडिएंट है एज एवरीबॉडी सेज विटामिन सी। तो जितना भी आप विटामिन सी अपने स्किन केयर रेजिमेन में शामिल करोगे उतना ज्यादा आपको देखेगा कि आपकी जो स्किन है वो उस पर एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और जो आपकी स्किन के जो दाग हैं, धब्बे हैं, वो सारे भी आराम से विटामिन सी से दूर हो सकते हैं। तो उसके लिए आप ऐसी क्रीम्स देख सकते हैं जिनमें विटामिन सी हो, प्लस आप विटामिन सी सीरम अपने जो स्किन केयर है उसमें शामिल कर सकते हैं। अनदर इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं अल्फा आर्बुटिन, इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये आपकी स्किन को वाइटन एंड ब्राइटन कर सकता है। देन देर आर अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक कोजिक एसिड। तो कोजिक एसिड भी आप अपने जो सीरम्स हैं या आपके मॉइस्चराइजर्स जब भी आप यूज कर रहे हैं या इवन फेस वॉशेस, फेस क्लेंजर्स जो होते हैं उनमें भी हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हैं कि जिनसे हमारी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलता है। देन गाइस, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी नाइसिनामाइड के बारे में काफ़ी बात की थी। तो नाइसिनामाइड भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को एक ब्राइटन लुक देता है, आपकी स्किन से जितने भी ब्लेमिशेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स होती हैं, पिगमेंटेशन होता है वो दूर करता है। तो नाइसिनामाइड भी एक तरीके से आपकी स्किन को एक ओवरऑल ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हेल्दी बनाता है और एक नेचुरल ग्लो भी देता है। सो गाइज, इसीलिए नाइसिनामाइड भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटन करना चाहते हैं तो आप ये इंग्रेडिएंट भी यूज कर सकते हैं। इसके सीरम्स होते हैं या उसकी जेल क्रीम्स होती हैं, मॉइस्चराइजर्स में होता है ये नाइसिनामाइड। ऑल्सो आप अपने फेस क्लेंजर्स में भी नाइसिनामाइड ढूंढ सकते हैं, ऐसे क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं जिनमें नाइसिनामाइड हो। सो गाइज, नेक्स्ट टिप है जो हम अपनी स्किन को ब्राइटन करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है जेंटल एक्सफोलिएशन। सो गाइज, हर कोई बोलता है कि एक्सफोलिएशन हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। एक्सफोलिएशन हमें बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको एक्सफोलिएशन करना है तो आप वीक में दो बार कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं, जो मॉइस्चर लेवल है वो एकदम से हटता नहीं है स्किन से। अभी अगर हम डेली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना शुरू कर देंगे तो उससे जो हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स हैं वो बहुत हद तक दूर होना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे गाइस। सो इसीलिए अगर हम एक्सफोलिएशन करेंगे तो हम वीक में टू टाइम्स करेंगे, बट ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक्सफोलिएशन से हमारी जो स्किन के डेड सेल्स हैं, जो एक डेड लेयर होती है हमारी स्किन पे, एक जो टैनिंग वाले इफेक्ट होता है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है।
तो उसके लिए आप यू नो वैसे फिजिकल एक्सफोलिएटर्स भी यूज कर सकते हैं. वो थोड़े से नेचुरल, मतलब उनमें जो एक ग्रैन्यूल उनका जो होता है ना, वो काफी जेंटल होना चाहिए. कई बार होता है बहुत हार्श ग्रैन्यूल्स होते हैं और उनसे हम अपनी स्किन को जब ऐसे एक्सफोलिएट करते हैं तो वो फायदे के बजाय उसको नुकसान ज्यादा हो जाता है, बैरियर ज्यादा डैमेज हो सकता है. सो इसीलिए नेचुरल जितना आप बहुत ज्यादा जेंटल देखोगे इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी स्किन के लिए उतना ही काफी होता है. ऑल्सो अगर ज्यादा आपको कुछ अच्छा वैसा ट्रीटमेंट चाहिए, एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप केमिकल पीलिंग के लिए भी जा सकते हैं गाइज. तो वो आपको, आप उसकी सेटिंग्स ले सकते हैं. केमिकल पील्स होते हैं ट्रीटमेंट्स पार्लर्स में होते हैं, स्किन क्लिनिक्स में होते हैं, तो आप वहां जाके भी केमिकल पील्स हैं. AHA BHA बेस्ड क्लेंजर्स भी होते हैं जिनसे आप एक एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएशन सॉर्ट ऑफ आपको एक इफेक्ट मिल जाता है. तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज करके अपनी स्किन को एक अच्छा सा जेंटली एक्सफोलिएशन दे सकते हैं और उससे आपकी स्किन ब्राइटन एंड ग्लोइंग एंड हेल्दी बन जाएगी. अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है सन प्रोटेक्शन. तो सन प्रोटेक्शन की जब बात करती हूँ, मैं बहुत प्रीवियस वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ, इवन इंस्टाग्राम पे भी मैं जितने वीडियोस शेयर करती हूँ मैं सन प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ. तो आप जब भी आप इफ यू आर गोइंग आउट या आप घर में हैं और आपको स्किन ब्राइटनिंग इशू बहुत ज्यादा है, तो आप जरूर से जरूर सन प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगा के रखेंगे, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे डायरेक्ट सन रेज से, क्योंकि वो हमारी स्किन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है. उसमें मेलानिन का जो एक प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, पिगमेंटेशन बढ़ते हैं, स्पॉट्स आने लगते हैं हमारे फेस पे और अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आती है. तो इन सबसे बचने के लिए हम एक अच्छा सा SPF विद 50 हम जरूर अपनी स्किन पे अप्लाई करके रखें, जिससे क्या होगा कि हमारी स्किन को एक सन प्रोटेक्शन मिलेगा. प्लस आप जब बाहर जा रहे हैं तो आप जरूर, जब बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आपको सन को फेस करना पड़ेगा, तो ऐसी यू नो सिचुएशन में आप अपने कपड़े ऐसे पहने जिनसे कम से कम सन एक्सपोजर हो. प्लस आप हैट पहन सकते हैं एंड आप अपने जो आईज हैं उनको ग्लासेस से कवर कर सकते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि मतलब हर तरीके से आप अपनी स्किन को सन के जितने भी डायरेक्ट रेज हैं वो आपकी स्किन को कम से कम टच करें. अब इसमें ही नेक्स्ट स्टेप आती है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल. तो ये बहुत जरूरी है. हर कोई बोलता है कि इट इज काइंड ऑफ लेक्चर कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल रखो तो हमारी स्किन ऐसी होगी वैसी होगी. लेकिन गाइस ऑब्वियसली एकदम आपको शॉर्ट टर्म या इंस्टेंट रिजल्ट्स तो नहीं मिल सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से अपनी स्किन के लिए, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको ये दिखने लगेगा और आपको विद टाइम देख आप खुद भी महसूस करोगे कि जितना आपने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी किया है उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे दिखने लगा है, उतनी ही ज्यादा वो हेल्दी लगेगी, उस पर उतना ही ज्यादा ग्लो आएगा, उतना ही चार्म आएगा. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हम जरूर चेक करें कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कितना हमारा स्ट्रेस लेवल है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑलमोस्ट 6 to 7 hours की स्लीप लेना. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सब बोलते हैं कि यार नींद से कुछ नहीं होता है और सोते तो हम भी हैं, ये है वो है, लेकिन स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं है. लेकिन गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पीसफुल साउंड स्लीप हमारे पूरी बॉडी को जरूर मिलनी चाहिए. जितनी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी उतनी आप देखोगे कि आपकी स्किन को भी एक अच्छा सा लुक है, अच्छा सा एक ग्लो और चार्म है आपकी स्किन पे. सो जो स्किन, जो स्लीपिंग होती है, स्लीप टाइम होता है हमारा, वो हमारी स्किन के लिए एक बूस्टिंग टाइम होता है. उसी में वो अपने स्किन सेल्स को रिपेयर करती है और उतना ही ज्यादा जितनी आपकी बॉडी को आराम मिलेगा. और स्लीपिंग से क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी मैनेज होता है. तो जितना आपके पूरी बॉडी को आराम मिलेगा, आपके माइंड को आराम मिलेगा, उतना ही टाइम आपकी जो स्किन है उसको भी अपने को रिपेयर करने को मिलता है और उसी वजह से वो उतनी अच्छी और बढ़िया आपको हालत में लगेगी अपनी स्किन, जितना आप उसको टाइम दोगे रिपेयर करने के लिए. सो गाइज यस, स्लीप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन स्ट्रेस भी मैनेज हो जाता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, योगा कर सकते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी स्किन पे, हमारे बालों की हेल्थ पे दिखता है. अर्ली साइंस ऑफ एजिंग शुरू हो जाती है. जितने हम टेंशन में रहेंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे या हम इरिटेटेड रहेंगे दिन भर, तो उतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो स्किन है
वो डल लगने लगती है और उसपे यू नो साइंस ऑफ एजिंग शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और उतने ही हमारे जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो सकते हैं, या अर्ली ग्रेइंग की प्रॉब्लम होने लगती है। सो ये सारी चीजें सब इंटरलिंक्ड हैं, स्ट्रेस और ये सब इंटरलिंक्ड होता है हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम चाहें ना चाहें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए गाइस निकालना पड़ेगा। हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने को उतना टाइम देना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए कि हम अपने जो हमारा पूरा ओवरऑल हेल्थ है उसको बैलेंस कर सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल में ही आता है हेल्दी ईटिंग। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप हर चीज ऐसे पिज्जाज बर्गर्स एंड चॉकलेट्स हैं हमारे डिजर्ट्स हैं ये बिल्कुल कट कर दीजिए अपनी लाइफ से, लेकिन हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको बहुत ज्यादा ओवर पावर ना कर लें। टेम्पटेशन होती है, लेकिन टेम्पटेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें वीकेंड में टाइम निकाल लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम वीक में 2 बार अगर हमारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं तो बोलूंगी 1 बार, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं बहुत ज्यादा तो आप 2 बार पिज्जाज हैं या आपके बर्गर्स हैं या कुछ भी ऐसे डिजर्ट्स हैं, आपके फेवरेट पेस्ट्रीज हैं, ये सब आप खा सकते हैं। बिल्कुल भी कट करोगे तो अगेन वही आपका जो एक स्ट्रेस लेवल है ना वो भी एक बैलेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम अच्छा पसंद मन से खाते हैं चीज़ वही हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा खुश करती है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने मूड का भी उतना ही ज़्यादा ध्यान रखें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एवरी नाउ एंड देन ये सारी चीज़ें ना खाएं। और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगी कि आप अपने जो खाना है उसमें रॉ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं और फ्रूट जूसेस हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, ये सब शामिल करें। फाइबर जितना जाएगा आपके बॉडी में उतना ज्यादा वो उसको डिटॉक्स करेगा, और डिटॉक्स बॉडी में ही आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो ज्यादा ग्लो करेगी। सो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए और डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा ग्लो, एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। गाइस, मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की भी बारे में आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन को ब्राइटन कर सकते हो। सो उसमें सबसे नंबर 1 पे है मिल्क। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन और भी अच्छी ब्राइटन और वाइटन हो, ग्लो आए उसके ऊपर, तो आप कर सकते हो कि आप रॉ मिल्क लीजिए और अपनी स्किन पे उससे मसाज करिए, एंड आफ्टर 25 या 30 मिनट्स आप उसको वॉश कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप चाहोगे वो थोड़ा सा और इफेक्टिव बने तो आप उसके अंदर टमाटो जूस की कुछ ड्रॉप्स डाल के मिल्क के अंदर, और तब अपनी स्किन को अच्छे से मसाज करिए, और उसके बाद उसको 25 या 30 मिनट्स के बाद वॉश करिए। और ऐसा आपको डेली करना है, क्योंकि मिल्क कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपकी स्किन पे कोई भी इरिटेशन होगा या सेंसिटिविटी इशू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव साइड पे है या एक्ने या उसकी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो आप जरूर अपनी स्किन को थोड़ा सा देख के उसके ऊपर ये इंग्रेडिएंट्स यूज कीजिए, क्योंकि हो सकता है टमाटो जूस आपकी स्किन पे थोड़ा सा इरिटेशन ले आए। और डेफिनेटली अगर आप ये करेंगे, और स्पेशली जब विंटर्स होती हैं, तो आप विंटर्स में थोड़ा सा जो क्रीम होती है मिल्क की, फ्रेश क्रीम, उसको लेके उसके अंदर हनी मिक्स करके और तब अपने फेस पे लगा के छोड़ दीजिए फॉर 25 to 30 मिनट्स। उससे भी जब आप वॉश करोगे तो आपके फेस को एक अच्छा सा ग्लो भी मिलेगा, साथ में आपकी जो स्किन है वो ब्राइटन होना शुरू हो जाएगी। और सिंपल आप खाली हनी को भी अपनी स्किन पे लगा के उसमें थोड़ा सा टर्मरिक का जो पाउडर होता है उसको मिक्स करके अपनी फेस पे लगा के छोड़ सकते हो फॉर 15 मिनट्स, एंड जब आप वॉश करोगे तो आप उसके बाद में अच्छे से मॉइस्चराइजर, इन सभी के बाद आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए, और विद टाइम आप देखोगे कि विद इन वीक और 4 to 5 वीक्स आपकी जो स्किन है वो अच्छी ब्राइटन और ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगी। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, एंड आई एम श्योर कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये यूजफुल लगा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे उन्हें भी थोड़ा सा कुछ टिप्स मिल जाए अपनी जो स्किन है उसको वाइटन एंड ग्लोइंग एंड ब्राइटन करने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप गाइस मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए गाइस, वहां पे मैं बहुत सारी टिप्स शेयर करती हूँ हमारी स्किन के लिए, ब्यूटी को कैसे हम एलिवेट कर सकते हैं उसके लिए। सो ऑल्सो गाइज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सपोर्ट मी, एंड आज के लिए इतना ही गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल बी बैक सुपर सून विद अनदर लवली वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। टिल देन, बाय बाय।